करेंगे आंसर की चैलेंज पर, सेलेक्ट करेंगे टेस्ट बुक कोड, बुकलेट कोड, और यहाँ पर लॉग इन करेंगे एप्लीकेशन नंबर एंड देन डेट ऑफ बर्थ। गुड इवनिंग एवरीवन। हाल फिलहाल में एनटीए द्वारा 29 मई 2024 को नीट यूजी की प्रोविजनल आंसर की के साथ साथ ओएमआर सीट का स्कैंड इमेज भी जारी कर दिया गया, जिसके लिए आपके आंसर की चैलेंज और रिकॉर्डेड रिस्पांस, जैसे कि आपने जो है आपने एग्ज़ाम पे जो रिस्पांस किया है ए बी सी डी एक्स वाई जेड जो भी है उस पर, और यहाँ पर जो है अलग रिस्पांस आपने ए किया है और यहाँ पर बी दिखा रहा है, तो आप उस पर भी जो है रिकॉर्डेड रिस्पांस जो है उस पर भी आप चैलेंज कर सकते हो। तो ये जो चैलेंज करने के लिए उनतीस मई 2024 से लेकर ये चीज़ें जो हैं 31 मई 11:50 है ना तक आप जो है ये रिस्पांस कर सकते हैं। तो 29 मई एनटीए ने 29 मई 2024 को एक पब्लिश नोटिस जारी किया, जिसमें आपके प्रोविजनल आंसर की के साथ साथ स्कैंड इमेज ऑफ ओएमआर आंसर सीट ये जारी किया गया, और इसके साथ साथ जो है आपके लिए एक विंडो ओपन किया गया, जिसमें 29 मई 2024 से लेकर 31 मई 2024 11:50 तक का जो है एक विंडो ओपन किया गया है, जिसमें अगर आपको आंसर की है ना एनटीए द्वारा जो आंसर की जो जारी किया गया उस आंसर की को आपको चैलेंज करना है तो आप उसको चैलेंज कर सकते हैं। जैसे मान के चलिए एक आंसर जो है आंसर की पे आप चैलेंज कर रहे हैं, अगर सिंगल तो सिंगल के लिए कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो है इनके द्वारा ₹200 जो है पर इच आंसर की जो है चैलेंज पर जो है नॉन रिफंडेबल जारी किया गया है, और उसके साथ साथ रिकॉर्डेड रिस्पांस, जैसे मैंने बताया आपने वहाँ पर एग्जाम में ए ऑप्शन किया है और यहाँ रिकॉर्डेड रिस्पांस आपका जो है, और अब ये रिस्पांस पे उमर सिंह पे है ना बी ऑप्शन दे दिया है, सी ऑप्शन दे दिया, तो आप इसको चैलेंज कर सकते हैं। तो ये भी है पर क्वेश्चन आप चैलेंज करेंगे तो इसके लिए भी जो है ₹200 जो है आपको नॉन रिफंडेबल पे करने पड़ेंगे, ठीक है ना। और जो है इसके साथ साथ जो है कई सारे बच्चों का जो है ये क्वेश्चंस आ जाया, क्योंकि तो कल जैसे रिलीज हुआ उसके बाद जैसे ही जो है रिलीज होने के बाद बहुत सारे स्टूडेंट हैं उनका कहना है कि ईमेल पर हमारे ईमेल एड्रेस पर नहीं आया, ठीक है ये ईमेल एड्रेस वही है जब आप नीट यूजी का एप्लीकेशन फॉर्म भर रहे थे तो रजिस्टर्ड ईमेल उस समय था, उसी ईमेल पर जो है आपका जो स्कैंड इमेज ऑफ ओएमआर आंसर शीट जो है आएगा, ठीक है। अगर नहीं आता तो आप वेब जो साइट पर दिए गए लिंक के थ्रू जो है आप जा सकते हैं, ठीक है। आपके आंसर एप्लीकेशन जो कॉपी है ना उसकी रजिस्ट्रेशन नंबर है, देन आपका डेट ऑफ बर्थ है, और जो भी पर्टिकुलर्स वहाँ पर मांगे जाते हैं जो पहले आप फॉर्म भरे हैं उसके बेसिस पर आप जो है उस पर पुट करेंगे तो आपको आंसर की के साथ साथ जो है आपकी स्कैंड ओएमआर सीट आंसर सीट भी जो है आपको मिल जाएगी, ठीक है। इस पर ध्यान रखेंगे कि जो आपका आंसर की और एक जगह ओएमआर सीट दोनों को साथ में रख के मिलान करेंगे, ठीक है ना, और मिलान करने के बाद आपको जैसे भी लग रहा है तो उस हिसाब से यहाँ पर जो कंडिकाएँ दी है ना सीरियल नंबर पे आंसर की चैलेंज रिकॉर्डेड रिस्पॉन्स चैलेंज आप उसके हिसाब पर आप देख सकते हैं, ठीक है ना। और यह जो है पूरी तरह से नॉन रिफंडेबल है, ये पहले ही लिखा गया है इसमें, ठीक है। अगेन जो है आपको आंसर की ओएमआर सीट जो है यह इस साइट पर आपको मिल जाएगी, ठीक है। देन जो है आप किस प्रकार से जो है ये प्रोसीजर करेंगे चैलेंज ऑफ आंसर की के लिए, है ना, वेबसाइट के अंदर जाएंगे, वेबसाइट आपका जो exam.nta.ac.in है ना, इस पर जाएंगे, क्लिक करेंगे आंसर की चैलेंज पर, सेलेक्ट करेंगे टेस्ट बुक कोड, बुकलेट कोड, और यहाँ पर लॉग इन करेंगे एप्लीकेशन नंबर एंड देन डेट ऑफ बर्थ, और आपका जो सिक्योरिटी पिन जो आएगा जो डिस्प्ले होगा और सबमिट करेंगे, ठीक है। आपको एग्ज़ाम पर जो है किस तरीके से क्वेश्चंस आए थे आपके नीट 2024 पर, जैसे 50 क्वेश्चन फिजिक्स के थे शुरुआत में, देन फिर 50 जो है आपके केमिस्ट्री के थे, 50 बॉटनी, 50 जूलॉजी,
इस तरीके से है ना। और यहाँ पर सारी प्रोसीजर्स लिखी गई है, उस हिसाब से जो है लास्ट में आपको पेमेंट करना है, जो भी आपकी प्रोसेसिंग फीस होगी, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, जो भी एक्स वाई जेड जो है यहाँ पर जो भी दिया गया है, उस हिसाब से तो आप जो है फाइनली जो है अपना क्लेम कर सकते हैं, ठीक है ना। और यह प्रोसेस आप एक बार देख लेंगे, इस लास्ट लास्ट पेज पर है, या आपको साइट पर भी मिल जाएगा, ठीक है। और जल्दी से जल्दी देखिए, ताकि जो है आप कल 31 है ना, और जल्दी से जल्दी आप क्लेम कर सकते हैं, ठीक है, चैलेंज कर सकते हैं, ठीक है। और हमारे द्वारा जो है अभी नीट 2025 के लिए नया ड्रॉपर बैच स्टार्ट हो चुका है, तो आप जल्दी से जल्दी जो है यहाँ पर पंजीयन करवा सकते हैं, और नेक्स्ट 2025 एग्ज़ाम आपका जो चैलेंज है उसको आप क्रैक कर सकते हैं आसानी से, ठीक है। और हमारे द्वारा जो है समय समय पर जो है अपडेट दिया जाएगा, नोटिफिकेशन दिया जाएगा, चाहे काउंसलिंग से रिलेटेड ही क्यों ना हो, ठीक है, तो ये सारे चीज़ बताए जाएंगे, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।